So hey guys, welcome back to my channel. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a gem. So मेरा नाम है अजय। तो जैसे कि आपने आजकल देखा होगा काफी सारे लोग जोश मार रहे हैं सिक्योरिटी को लेके, फोन्स के अंदर कोई ये ऐप निकल रहा, कोई वो ऐप निकल रहा, ब्लॉटवेयर आते रहते हैं, नॉर्मल चीजें सारी। तो खैर देखो, जब तक ब्लॉटवेयर आते हैं तो ठीक है क्योंकि हम उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं, तो वहां तक बातें सारी ठीक है, ब्लॉटवेयर आ रहे कोई बात नहीं। बट अगर अपने यूआई में ही कोई चीज इंटीग्रेटेड है तो उसको कोई क्या करेगा? तो उसको तो आप ठीक नहीं कर सकते। इतनी अच्छी कोडिंग तो मुझे लगता है इसी बात में कि आप किसी का यूआई को छेड़ना शुरू कर दोगे। तो जैसे कि पोको M2 Pro लॉन्च हुआ है, और ये लॉन्च हुआ है इंडियन गवर्नमेंट के ऐप्स को बैन करने के जस्ट बाद। ये पहला फोन है जो लॉन्च हुआ मार्केट। तो जैसे लॉन्च हुआ रिव्यूअर्स ने रिव्यू करा, देखा तो उसमें ब्लॉटवेयर्स थे, वहां तक बात फिर भी ठीक थी। अभी भी नजर आया कि जो उसका इंटीग्रेटेड यूआई है, जो मी यूआई है, जो सिर्फ पोको नहीं है, वो एमआई के फोन्स में रेडमी के ब्लैक सार्क सब में मिलेगा आपको मी यूआई। उसके अंदर भी दिक्कत है। क्या है उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो क्लीन मास्टर है, जो एंटीवायरस की तरह काम करता है, जो किसी काम का है नहीं वैसे। क्लीन मास्टर कुछ नहीं एंटीवायरस करता आपके फोन को, बट एंटीवायरस की तरह काम करता है। तो उसमें दिक्कत क्या आई है, चीता मोबाइल्स का होता है क्लीन मास्टर, और चीता मोबाइल्स के ऐप्स को इंडिया में बैन कर चुकी है उन्होंने। उसके बावजूद किसी कंपनी के मोबाइल के यूआई में ही उसको दे देना, मुझे लगता है कोई ढंटी बात है। इससे पता चलता है कोई कंपनी आपकी सिक्योरिटी के लिए सीरियस है या नहीं है। तो आप समझ रहे होंगे कि एमआई जैसी कंपनी अगर ऐसा कर रही है तो वो सिक्योरिटी लेवल इतना सीरियस तो नहीं है कम से कम। क्योंकि अगर वो आपकी सिक्योरिटी लेवल सीरियस होती तो अब तक वो कोई पैच भेज चुकी होती है, कुछ कर चुकी होती जिससे कि यूआई से उसको हटा दिया जाए। और ये एक अपडेट के साथ सब कुछ सॉल्व हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर कंपनी चाहे तो। कंपनी नहीं चाहती इससे बदलता, क्योंकि अब तक कोई अपडेट किसी के पास भी नहीं आया है। मी यूआई के अपडेट्स आ रहे हैं, उसके बावजूद भी इस चीज को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। MIUI 12 की बात चल रही है, सिक्योरिटी को लेकर बहुत बातें करी थी लॉन्च के टाइम पे MIUI 12 की, पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसमें भी आपको क्लीन मास्टर ही मिलेगा सिक्योरिटी के। देखो, जो लोग सिक्योरिटी को लेकर सीरियस हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि हर किसी को शौक नहीं अपना डाटा यहाँ से वहाँ भेजते रहने का। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ओप्पो और वीवो के फोन के लिए जा सकते हो आप। क्यों? ओप्पो के अंदर जो आपका एंटीवायरस आता है, जो क्लीनर की तरह काम करता है, उसमें मिलता है, वो पावर्ड बाय है Qoo 360। ये काफी अच्छा है एंटीवायरस। फास्ट में इसके ऊपर भी एलिगेशन लग चुके डाटा ब्रीच को लेके। एक बार बहुत पहले यूएस में लगाए थे वहाँ की CIA ने, फिर ये डाटा शेयर कर रही है और कर भी रही है क्योंकि चाइनीज कंपनी है। बट इंडिया ने इसको बैन नहीं किया फिलहाल के लिए, और काफी टाइम से इसके ऊपर न्यूज में नहीं आई है। तो काफी ज्यादा चांस है कि इस समय ये काफी सिक्योर प्लेटफॉर्म है। क्लीन मास्टर चीता मोबाइल से तो काफी ज्यादा होगी, ऑब्वियस बात है। आप इसके लिए जा सकते हैं क्योंकि अगर आपको अपना डाटा बचाना है तो आप इसके लिए जाएं। क्योंकि देखो, दो लोग हैं, दोनों चोरी कर रहे हैं, एक ने 50 रुपये चुराया, एक ने 10 रुपये चुराया, तो ऑब्वियस सी बात है 10 वाले फिलहाल के लिए बेटर। अगर ऑप्शन ही दो है आपके पास, तीसरा ऑप्शन ही ना हो तो फिर तो हम कम वाले के पास जाएंगे। बट वीवो यहाँ पे और भी अच्छा है। सो इस मामले में आपका वीवो का ऑप्शन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तो जो वीवो के फोन्स के अंदर जो आपको एंटीवायरस मिलेगा वो पावर्ड बाय है अवाश। अवाश एक बहुत बढ़िया कंपनी है, इसके ऊपर कोई खास एलिगेशन भी नहीं मिले मुझे ऑनलाइन। मैंने चेक करने की कोशिश करी थी, मैंने ऑनलाइन रिसर्च करने की कोशिश करी, मुझे अवाश के ऊपर कोई खास ऐसा मिला नहीं। कहीं पे भी लिखा हुआ कि इसने डाटा ब्रीच करा या कुछ करा है। यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ये एंटीवायरस प्रोवाइड कराते हैं, काफी ज्यादा नाम है इसका। तो ये चीज सबसे सिक्योर है तीनों में से। हाँ, मुझे मालूम है कि ओप्पो वीवो के फोन थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू रेडमी Xiaomi, बट अगर आपको अपने डाटा की फिक्र है तो आप थोड़े पैसे दे के सिक्योरिटी को ले सकते हैं, अगर आप थोड़े पैसे एक्स्ट्रा दे दे तो। रियलमी भी सिक्योर नहीं, क्योंकि रियलमी का जो नया UI आया है उसमें भी आपको क्लीन मास्टर ही मिलता है पावर्ड बाय। उनका जो एंटीवायरस है वो भी क्लीन मास्टर ही प्रोवाइड करा रहा है। सो कोई फायदा नहीं है रियलमी लेके भी। अगर आप पैसे बचाना चाह रहे हैं तो आपका डाटा जाएगा ही जाएगा, पैसे थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो तो शायद आपका डाटा बच सकता है कंपेयर टू दिस कंपनीज। रियलमी में पहले आता था आपका कलर ओएस, उसके अंदर आपको Qoo 360 मिलता है, Qoo 360, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सो टेढ़ा मेढ़ा सा नाम है। सो इसके अंदर Qoo 360 आता है, ये फिर भी थोड़ा सा सिक्योर है बट इतना नहीं। बट अब जब से रियलमी UI चेंज हुआ है तब से उसके अंदर क्लीन मास्टर आ गया है एंटीवायरस के लिए, जो आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट बैन कर चुकी है। उसके बावजूद भी रियलमी ने कोई टेक नहीं लिया, कोई बात तक नहीं कर रहा इसके बारे में। बड़े बड़े रिव्यूअर्स हैं वो ही बात नहीं कर रहे। तो अचानक से पोको M2 Pro उछल के आ गया तो उसके ऊपर सारे चढ़ गए हैं, सारा राशन पानी लेके। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ोन्स हैं, Xiaomi के सारे हैं, पोको के सारे हैं, रियलमी के भी सारे, जिनमें रियलमी UI रन कर रहा है उन सब के अंदर आपको क्लीन मास्टर मिलता है। सो ऑब्वियस बात है ये भी सिक्योर नहीं है। सिक्योरिटी के लिए जाना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से तो मोटोरोला होना चाहिए इस समय। उसके अंदर मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड, तो दिक्कत ही खत्म हो गई सारे एंटीवायरस की, ये वो कोई दिक्कत ही खत्म। स्टॉक एंड्रॉइड है, ब्लॉटवेयर भी नहीं मिलते। और ब्लॉटवेयर्स जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ, ब्लॉटवेयर्स तो कहानी फिर भी ठीक है। या आपने
कोई ब्रॉडवेयर आया, अनइंस्टॉल कर दिया, बात खत्म। यूआई में इंटीग्रिटी चीज हो, कैसे हटाओगे आप? नहीं हटा सकते। कंपनी जब तक अपडेट पुश नहीं करेगी कोई इसी को लेके, आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो इसके ऊपर देखते हैं क्या हो सकता है। कंपनी कुछ करती नहीं करती, मुझे लग नहीं रहा करने वाली। कंपनी इतनी बेकार है इंडिया में, पहले तो चाइनीज कंपनी है सारी के सारे, तो कुछ नहीं करने वाली। सेकेंड, अगर कंपनी करती तो अच्छा है, नहीं तो फिर हमें फ़ोन छोड़ने चाहिए मेरे ख्याल से तो, क्योंकि आपका डाटा ही आपके लिए सब कुछ होना चाहिए। फिलहाल गवर्नमेंट ने तक बैन कर दिया, उसके बावजूद भी कंपनीज आपको चीज़ें प्रोवाइड करा रहे, तो मुझे लगता है कोई सही चीज़ है। आप और ब्रांड्स के लिए जाएं, वीवो ओप्पो इसमें ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहे हैं मुझे, क्योंकि वो थोड़े फ़ोन अच्छे देते हैं। वैल्यू फॉर मनी के लिए जाना है तो मोटो के लिए जाएं, आजकल वही बड़े अच्छे फ़ोन निकाल रहे हैं। मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस आया था, बहुत बढ़िया फ़ोन निकल के आया, एकदम बहुत अच्छा फ़ोन है, आप उसके लिए जा सकते हैं। थोड़ा सा और भी मोटो के फ़ोन हैं, उनके लिए आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली ऐसी खास। मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं जो इस प्राइस पे इनके लिए आपको अच्छे डिवाइस देती है, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। सिक्योरिटी का ध्यान रखना है तो रियलमी और शाओमी के फोन्स, पोको के फोन्स को ना परचेज करें आगे। जिसके पास है तो है, तो क्या कर लेगा वो। खैर कोई परचेज करने वाला था इन फोन को तो रुक जाओ भाई, ये रेडमी नोट 9 प्रो की सेल्स जैसे सेकंडों में गायब करते रहते हो, जादू चलता रहता है कंपनी के साथ, उसको थोड़ा रोको, दूसरे फोन्स के ले जाओ, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी, आपका डाटा ही आपके पास नहीं बचेगा तो क्या कर लोगे। सो गाइस, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। अगर आप डाटा को वैल्यू देते हैं अपने, तो उम्मीद है आप Xiaomi Realme के लिए ना जाएं, और ब्रांड्स हैं उनके पास जाएं, इससे तो ज़्यादा सिक्योर हैं वो सारी ब्रांड्स। सो अगर आप वीडियो ध्यान आएंगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटे को जोर से बजाएं, जितनी जोर से उतनी जोर से बजाएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।